आपका आईफोन एक तो सुपर फास्ट फील होगा प्लस ये बैटरी भी सेव करेगा दिखाता हूं बंद कर देता हूं लेकिन अगर आप इस सेटिंग को पूरे दिन यूज करेंगे ना मैं गारंटी दे सकता हूं आपकी बैटरी 30 परसेंट से 50 परसेंट तक एक्स्ट्रा चलेगी तो गाइज यहां पर आज भी बहुत सारे लोग परेशान हैं एक चीज को लेकर कि भाई आईफोन हमारा बैटरी बैकअप नहीं देता मैंने बहुत सारे लोगों से मिला एंड यहां पर मोस्टली का कंसर्न यही था कि यार हमारा आईफोन का ना हमें पूरे दिन लो पावर मोड ऑन करके रखना पड़ता है तो मैं ये बात सुन के शौक कि ऐसा क्या जरूरत पड़ गई उनको लो पावर मोड ऑन करने की जो कि उनका आईफोन बैटरी बैकअप क्यों नहीं दे पा रहा है तो यहां पर मैंने उनके फोन में कुछ सेटिंग्स करी यकीन मानना अगले दिन उनका सच में मैसेज आया भाई क्या कर रहा था अपने आईफोन के अंदर मेरे आईफोन थर्टी परसेंट तक एक्स्ट्रा चला मतलब कि अगर उनके दिन के लास्ट में टेन परसेंट बैटरी रहती थी आईफोन में तो वो कह रहे भाई हमारे आईफोन में तो थर्टी परसेंट तक बैटरी थी हमें लो पावर मोड की जरूरत ही नहीं पड़ी तो यहां पर मैं मैंने कहा यार ये सेटिंग्स तो मैं खुद यूज करता हूं क्या ये इतनी कॉमन नहीं है तो मैंने कहा कि इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा तो हेलो गाइज दिस इज समीर एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल विज चैनल तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको टॉप सेवन आईफोन

refresh content. टर्न ऑफ में हेल्प टू प्रिजर्व योर बैटरी लाइफ सेकंड स्टेप में आपको बताना चाहूंगा अगर आपके आईफोन के अंदर बाय डिफॉल्ट ऊपर से सेटिंग से करेंगे बाय डिफॉल्ट यहां पर एक ट्रू टोन होता है इस पर प्रेस करके रखेंगे ये ट्रू टोन ये ट्रू टोन बाय डिफॉल्ट अगर आपके आईफोन के अंदर ऑन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस ट्रू टोन को ऑफ रखना है इस ट्रू टोन को ऑफ रखने का कारण यह है कि ये जो ट्रू टोन है ना ये आपके डिस्प्ले के हिसाब से सेंसर्स लगे हुए हैं वो आपका कलर चेंज करता रहता है जो कि बैटरी कंज्यूम करता है ठीक है अगर आप ट्रू टोन चाहते हैं कि मैं इसको ऑन करके रखूंगा

माइक आपका सुनता रहेगा अगर ये ऑन है इस तरीके से ऑन है ना तो आप जैसी बोलोगे हे इसी hey तो ये रिएक्ट करेगा आपका आईफोन अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं ठीक है ये भी आपके आईफोन की बैटरी लाइफ को प्रिजर्व करेगा प्लस नीचे आ जाना है यहां पर अलाउ नोटिफिकेशन शो ऐप्स इन सब को टर्न ऑफ कर देना है एंड यहां पर शो सजेशन एंड शो रिसेंट को भी टर्न ऑफ कर देना है इससे जरा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आईफोन यूजर एक्सपीरियंस को मैं वही सेटिंग्स बता रहा हूं जो आपके आईफोन आराम से झेल सकता है प्लस आप को भी कोई अनोइंग चीज नहीं लगेगी मैं खुद यही यूज करता हूं तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं अब यहां पर अपनी फोर्थ फोर्थ टिप आती है यहां पर आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटीज में चले जाना है एंड यहां पर ट्रैकिंग पे जाना है जैसे ही आप ट्रैकिंग पे जाएंगे यहां पर अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट ट्रैक ये ऐसे करके ऑन होगा तो इसको ऑफ कर देना है एंड यहां पर नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको जोन जोन सी ऐप ऑन दिख रही है ना इसका मतलब ये है कि वो ऐप आप आपको ट्रैक करती है आपके डेटा को ट्रैक करती है आपको पर्सनलाइज एड्स दिखाने के लिए जिससे वो बैटरी कंज्यूम ज्यादा करती है तो यहां से आप इन सबको टर्न ऑफ कर सकते हैं ताकि आपको कोई ऐप

परसेंट तक एक्स्ट्रा चलेगी ये सेटिंग है मैंने इस पर एक्सेसिबिलिटी पे वन टू थ्री जैसे मैं थ्री टैप करूंगा तो एक्सट्रीम डार्क मोड ये एक्सट्रीम डार्क मोड क्या करता है व्हाइटनेस आपके आईफोन के अंदर जो ब्राइटनेस की व्हाइट 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 पार्ट होता है ना उसको रिड्यूस करता है इस एक्सेसिबिलिटी में जाना है एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद नीचे ऊपर आ जाना है यहाँ पर डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज पे इस पर क्लिक करना है एंड सबसे नीचे आ जाना है यहाँ पर रिड्यूस वाइट पॉइंट है इसको आपको 85 परसेंट पर सेट कर देना है आप इसको कभी कभी यूज करना चाहते हैं तो अगर आप इसको फिफ्टी परसेंट सेट करके रखेंगे कुछ इस तरीके से आप इसको पूरे दिन भी यूज कर सकते हैं आप इसको 50 परसेंट पर सेट कर दो एंड यहां से इसको ऑन करना है बाकी ऑफ कर दो यहां से 50 परसेंट पर सेट करने के बाद अब यहां पर आपको एक सेटिंग ऑन करनी है बैक आना है नीचे आ जाना है यहां पर यहां पर शॉर्टकट जैसे ही आप ये थ्री टैप करेंगे तो ये सेटिंग ऑन हो जाएगी जैसे आप थ्री टैप करेंगे तीन बार प्रेस करेंगे ऑफ हो जाएगी ठीक है इसको आपको करने के लिए रिड्यूस व्हाइट पॉइंट को ऑन कर देना है इसको इस तरीके से ऑन कर दिया बस अब जैसे ही मैं इस तरीके से वन टू थ्री ये देखोगे आप ये डार्क हो गया वन टू थ्री ये देखो बंद हो गया न टू थ्री ये देखो डार्क हो गया तो इस तरीके से आप इस सेटिंग का यूज कर सकते हैं ठीक है फिफ्टी परसेंट पर सेट करके आप पूरे दिन यूज कर सकते हैं और आपको ज्यादा मान लो एट्टी फाइव परसेंट तक सेट करेंगे ना तो जितने ज्यादा सेट करेंगे उतनी ज्यादा व्हाइटनेस कम हो जाएगी आपके आईफोन में जो कि बैटरी डिस्प्ले बैटरी कम खाएगी जिससे कि आपकी बैटरी बहुत ज्यादा सेव होगी टिप मैं देना चाहता हूं जो कि एक प्रोडक्टिविटी भी टिप है मैं सच में ये टिपना मैं ऑन करके बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाता हूं काम की तरफ प्लस मेरे आईफोन भी डिंग 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 बार बार नहीं बोलता ये सबको पता होगी लेकिन कोई इस पर यूज नहीं करता है सेटिंग्स में जाना है कुछ इस तरीके से सेटिंग्स में जाने के बाद नोटिफिकेशंस में क्लिक करना है एंड नीचे आ जाना है यहां पर जैसे आजीओ है, तो है, है? है, है और यहां पर आप सारी की सारी जितनी भी सोशल मीडिया यूट्यूब की भी ऑफ है व्हाट्सएप की ऑन है ठीक है यहां से आप अपनी नोटिफिकेशन सेटअप कर सकते हैं किसकी आपको नोटिफिकेशन चाहिए एंड कौन सी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए इससे फायदा यह होगा कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको